Assalamualaikum everyone. Maria B Cares के थ्रू बहुत सारे अमेजिंग लोगों से मिलते हैं। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना ब्रिलियंट काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, ऐसे ऐसे अच्छे काम, और हमें पता ही नहीं चलता और हम उन हीरोज को जानते तक नहीं है। तो उन कुछ लोगों को हमने ढूंढा है और रमजान में उनसे हम इंटरव्यू करेंगे टू टेल यू हु दीज अमेजिंग पीपल आर हु डूइंग अमेजिंग थिंग्स फॉर पाकिस्तान। शाहिद साहब रन्स अ स्कूल एंड यू There are lots of schools in Pakistan, जो charity schools होते हैं, but Zavia school एक बहुत ही different organisation है। Let's find out के Zavia school के साथ साले को कैसे आप? छोटे-छोटे questions हैं कि हमें तो पता है, लेकिन आप जरा बताएं कि concept क्या है Zavia school का? Zavia का school जो है वो holistic education के principle से बना है। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि सोसाइटी में एथिकल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप जो है वो सोसाइटी को प्रोवाइड की जाए, और बच्चों में कैरेक्टर बिल्डिंग हो, वो बहुत अच्छे इंसान हो, वो अपने ट्रेडिशन के साथ कनेक्टेड हो, एंड येट दे आर यूनिवर्सल इन देयर अप्रोच। वो सब जो अदर्स होते हैं हमारे उनके साथ कनेक्ट कर सकें बहुत अच्छे तरीके से, वो प्रैक्टिकल भी हों लेकिन रिफ्लेक्टिव माइंड रखते हों। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे डुअलिज्म्स हैं कि अगर प्रैक्टिकल बनता है तो हम कहते हैं ये रिफ्लेक्टिव माइंड जो है ना हो, कॉन्टेम्प्लेशन वाला माइंड ना हो, तो वन शुड बी एबल टू अ मैन ऑफ एक्शन एंड एट द सेम टाइम ही शुड बी मैन ऑफ कॉन्टेम्प्लेशन। जो ये कंटेम्पररी एजुकेशन उसमें ये है ना, ये आपका एक ये सेट है कि इन्होंने इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, और आप अगर इंजीनियर है तो आप लेट्स से इस्लामिक स्टडीज या पोएट्री नहीं पढ़ सकते। ये कॉन्सेप्ट हमें सब इसके आप पर अक्स काम कर रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट काम कर रहे हैं। यू वांट देम टू बी अ राउंडेड पर्सन, जिसमें हमारे आई गेस पुरानी लेट्स से जो इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम होता था पहले, आर यू रिवाइविंग दैट सॉर्ट ऑफ कांसेप्ट? हमारे यहां बहुत सी डुअलिज्म्स हैं कि आइदर और, सो अगर आप ट्रेडिशन के साथ कनेक्टेड हैं तो आप कंटेंपरेरी वर्ल्ड से कट गए, अगर आप मॉडर्न हैं तो आप इकबाल को नहीं पढ़ेंगे, आप शेक्सपियर और इकबाल, ये चॉइस है हमारे पास। और जो है हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो फिर अरबी और पर्शियन भी बोलेंगे, और इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हम रिफ्लेक्टिव जैसे बात हुई फिलोसॉफिकल माइंड है तो अब हम प्रैक्टिकल मतलब स्किल्स नहीं होंगी। yes. तो ये बहुत सारे डुअलिज्म्स हैं जिनको इसी तरह एक मिसाल के तौर पे ये है कि अपना हमारा जो लोकल कल्चर है, एक तो हमारी उर्दू है, फारसी और अरबी है, हमारा पंजाबी है जी, ये एक और मतलब ट्रेजेडी है। Absolutely. हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा जो एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल हो, वेयरएवर व्हाटएवर इज ब्यूटीफुल उसको वो एक्सेप्ट करे, और जैसे शहद की मक्खी होती है जी, वो मुख्तलिफ फूलों का रस जो है वो लेके शहद बनाती है। yes. तो मुझे बेकन की बात याद आ रही है, उसने कहा कि शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए कि जो मुख्तलिफ कल्चर और सिविलाइजेशन को कंबाइन कर सके, नॉलेज को, नॉलेज फॉर्म्स को, सिस्टम्स को। तो ये ज़ावेर स्कूल का मिशन है, और फिर ये है कि अंडरप्रिविलेज बच्चों के लिए है प्राइमरीली, लेकिन मिडिल क्लास के बच्चे भी इसमें आते हैं, और हम सोसाइटी का एक क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं इसमें। ये जो करंटली पूरी दुनिया में एक वेव चल रही है ना कि पीपल आर क्वेश्चनिंग कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी फॉल्टी है, उसमें ये निहायत जरूरी था कि इस तरह का स्कूल, जिस तरह कोई आपकी जो थिंकिंग है, और मैं तो चाहूंगी कि मेरा भी बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारी वेल राउंडेड पर्सनालिटीज को बिल्कुल आप बस उनको एक बॉक्स में डाल देते हैं कि ये बच्चा जो है ये इस बॉक्स में आ रहा है, ये मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स में लगा दो। सो इट्स अमेजिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, साहब आप कोई कोई अपलिफ्टिंग स्टोरी हो, सक्सेस स्टोरी हो आपकी जो हमारे साथ शेयर करना चाहिए, रमजान भी है। अच्छा, एक मैं पर्सनल शेयर करूंगा अपने हिसाब से स्कूल के बारे में। मेरा जो मैं कर सकता है बहुत अहम काम वो इन एक्शन है। समटाइम्स आप जो कॉन्शियंस है आपका या जो आप करना चाह रहे होते हैं वो इन एक्शन में होता है, यानी मैं कुछ काम मैंने नहीं किए जिसकी वजह से मैं आप ज़ावेर स्कूल बना पाया। बहुत सारी टेम्पटेशंस थी, मिसाल के तौर पे मैं ऑक्सफोर्ड जब गया तो वहाँ पे सोशियोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया, तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिली कि मैं सोसाइटी का हिस्सा बन सकता था। मैं इंग्लैंड में रह सकता था, मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहें और बिकम पार्ट ऑफ इट, और यहाँ पे आप अपने पैसे कैसे बनाए कि ना आप पैसे बना रहे होते, आप ऑक्सफोर्ड में रह रहे होते, आप क्यों वापस आए? क्यों होता है कि आप सब चल रहे हैं और एक बंदा जो स्टेप बैक कर लेता है, वो खड़ा हो जाता है, बाद में वो इंपॉर्टेंट बंदा होता है, उससे जो आगे जाए। तो इन एक्शन की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है वो बात की बड़ी बात, एकेडेमिया का भी मुझे लगता है कि ना जैसे मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉन्फ्रेंसिंग होती है,
और बड़े बड़े जो है वो पेपर्स लिखे जा रहे हैं और रिसर्च हो रही होती है, तो मुझे लगता है कि हमारा एकेडेमिया भी जो है वो सोसाइटी से और जिंदगी से कट चुका है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि क्लास टू के बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तुम तो पढ़ाते हो एमफिल के बच्चों को या अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को, तो वो एक था कि मैंने अल्लाह के फजल व करम से यानी, और जो हमारी असल में ट्रेडिशन जो मुस्लिम ट्रेडिशन है और उसमें ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उसमें अल गजाली है सबसे इम्पोर्टेंट थे, अब हमारे बच्चों को इमाम अल गजाली का नाम भी नहीं आता और आप ये अपने ये स्कूल में बच्चों को इमाम अल गजाली के बारे में बता रहे हो कि आप पढ़ा भी रहे हैं जी एक स्कूल में चार, मैं आपके स्कूल में मैं प्लीज एनरोल होता हूं, मुझे भी आपके स्कूल में पढ़ना है क्योंकि मैंने इस तरह की चीजें खुद ही जो बंदा रिसर्च से करता है ये तो कोई पढ़ाता नहीं है ना कोई इनके बारे में बात करता है हमारी मुस्लिम ट्रेडिशन से, बट आपने मतलब इस तरह के लोग भी हैं जिनके पास पूरी दुनिया एक अपॉर्चुनिटी के उसमें खुली हुई थी और दे चोज टू डू समथिंग एल्स, ये नियत की भी बात होती है और समथिंग एल्स। बिल्कुल जी, अभी करंटली फॉर योर स्कूल What is it के, that you require? What is it that you need? अब हम स्कूल हमने 2017 में शुरू किया और अब जो है हम इसका कैंपस बना रहे हैं पर्पस बिल्ड कैंपस, और वो ऐसा कैंपस होगा कि जो वहां पे लिविंग एक अल्टरनेट एजुकेशन की बात नहीं सिर्फ अल्टरनेट लिविंग की बात है, एजुकेशन को हम सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रख सकते, हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर करें, बच्चे जो है उसका हिस्सा बने एग्रीकल्चर का, पौधे लगाएं, बच्चों को मुख्तलिफ जगह हम अलॉट करें जी, और जी, जी, जी। टेगोर का जो स्कूल था शांति निकेतन उन्होंने बनाया था तो वो बहुत विजनरी आदमी थे, उनसे भी मैंने इंस्पिरेशन ली और कि बच्चों को और बड़ों को नेचर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो स्कूल के यहाँ पे अगर प्रिंसिपल सुन लो इस बात को कि बच्चों की का असल करिकुलम जो है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करिकुलम है, करिकुलम हमारा बहुत मुख्तलिफ नहीं है, बहुत मुख्तलिफ करिकुलम की जरूरत नहीं है, दुनिया में बताने के लिए कोई नई नई बातें नहीं है, बातें वही है, असल है कि प्रैक्टिस और बड़ों का प्रैक्टिस करना, बच्चे जो है वो हर वक्त हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो बड़े जो है प्रिंसिपल मिसाल के तौर पे अगर जब वो अपने पीएन से मिसाल के तौर पे या कुक से बात करेगा तो बच्चा देख रहा होगा कि ये बात कैसे कर रहे हैं, तो वो अगर हम बाद में उसे ह्यूमैनिटी पे इक्वालिटी पे जितना मर्जी लेक्चर दे दें तो बड़ों के जो एटीट्यूड्स हैं वो खुद अपने हाथ से काम कर रहे हो और एक माहौल हो तो उस माहौल की वजह से वो, तो उसके लिए हम अब पर्पस बिल्ड कैंपस बना रहे हैं उस माहौल को डेवलप करने के लिए, और उसमें इतनी जगह होगी इंशाल्लाह ताला कि और स्कूलों के बच्चे भी उसमें आएंगे वहां ठहरेंगे। अभी मलेशिया की एक इलाका है कोहे सुलेमान जो ट्राइबल एरिया है डेरा गाजी खान का, वहां से आया हूँ और वहां भी हमने ये बात की, यानी हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम है, ये भी सक्सेस है ज़ाविया स्कूल की कि अब हम विजिट्स किया करेंगे अपने स्टाफ के साथ अपने लोगों मुख्तलिफ शहरों में भी, और वहां कुछ दिनों क्याम किया करेंगे वहां के स्कूल में और उन बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। It should be like an educational movement now. It's amazing. आपने शायद सब गवर्नमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन किया about this idea? Because it's an amazing idea. Why doesn't the government know about it? हाँ, मेरा ख्याल है कि I am really happy to join with government अगर कोई ऐसी बात होती है कोई interaction. तो हम अपने तौर पे ये जरूर करेंगे that we should talk about the people who are thinking out of the box, who are thinking of the holistic और holistic भी ऐसा word है जो लोगों को समझ भी नहीं सही आता। Holistic education is what makes the Muslim the way they were supposed to be, an insan the way jo insaniyat jo khatam ho gayi hai. Purpose Built Campus jo hum bana rahe hain usme ab hame aise logon ki zarurat hai jo is campaign ko chala sake. Hum fundraising campaigns hamari mukhtalif chal rahi hain. 5 acre jagah hai aur ye yani 800 marlas mein divide kiya. Ek marle ki keemat hai 92,000 rupees. Ye tareeban 1 lakh rupees ka ek marla hai. और अब तक जो है हम चाह रहे हैं लोगों से कि वो एक एक मरला भी डोनेट करें, ये भी एक कैंपेन चल रही है और 800 लोग अगर पूरी दुनिया से इकट्ठे हों तो ये कैंपस जो है उसकी लैंड एक्वायर की जा सकती है जो कि असल माइलस्टोन होगा ज़ाविया के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, इंशाल्लाह वी विल कम एंड विजिट योर स्कूल एंड वी विल कीप यू अपडेटेड कि हम कर क्या रहे ज़ाविया स्कूल।